मौलाना ने टॉफी का लालच देकर बच्ची को कमरे में बुलाया था। तभी मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन तब वह चकमा देकर भाग गया था। घटना के दो दिन बाद अब मौलाना अपने रिश्तेदार के घर से पकड़ा गया। कानपुर में बच्ची से रेप करने वाला 70 साल का मौलाना गिरफ्तार हो गया है। टॉफी का लालच देकर उसने बच्ची को कमरे में बुलाया था। तभी मौके पर मौजूद लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन तब वह चकमा देकर भाग गया था। इस वारदात का वीडियो अब पुलिस ने सबूत के तौर पर जुटा लिया है। बता दें कि घटना दो दिन पहले हुई थी। पड़ोसियों ने आरोपी मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा को मौके से पकड़ लिया था, लेकिन तब वह मौके से भाग गया था। पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी थी। अब उसे गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने मौलाना को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया है। मामले में रेप समेत और धाराएं बढ़ाई गई है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेजा जा रहा है। पुलिस दो दिन तक तलाशती रही। मौलाना ग्वालटोली में ही था। मामले में DCP सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया, कानपुर के ग्वालटोली थाने की पुलिस ने आरोपी मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। उसने नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया था। उस पर 376 का केस दर्ज है। वह ग्वालटोली में अपने रिश्तेदार के घर में छिपा हुआ था। उसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल आपराधिक इतिहास की जांच चल रही है, लेकिन उसकी सामाजिक छवि अच्छी नहीं है। घटना का जो वीडियो सामने आया है वह अहम है। फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। कई दिनों से मौलाना पर लोगों की नज़र थी। ग्वालटोली में मकबरे की घटना सामने आई है, जिसमें एक 70 वर्षीय मौलाना मुख्तार जो मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने पड़ोस में रहने वाली बच्ची 7 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट के बहाने अपने घर में बुलाया और एक गलत काम करने का प्रयास किया, जिसे व्यक्ति ने देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है और बच्ची घर वालों की तरफ तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीत किया जा रहा है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई। स्थानीय लोगों और पीड़िता के परिजनों ने बताया कि मौलाना पहले भी दो लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका है। लोग लाज के डर से लोग कुछ नहीं कहते थे, लेकिन इस बार सबकी नज़र उस पर थी। घटना वाली रात मौलाना ने लड़की को पकड़ लिया। आसपास के दुकानदार उसकी हरकतें देख रहे थे। इसके बाद वह लड़की को अपने कमरे में ले गया, जहां उसने लड़की के साथ गलत काम किया। पड़ोसी ने मौलाना की गंदी हरकतों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद दरवाज़ा तोड़कर लड़की को बाहर निकाला गया। मौलाना को मौके पर ही नग्न अवस्था में रंगे हाथों पकड़ा गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। पकड़े जाने पर मौलाना गिड़गिड़ाने लगा और रहम की भीख मांगते हुए हाथ पैर जोड़ने लगा। उधर जैसे ही लड़की ने अपने परिजनों को देखा, वह उनसे लिपट गई और रोने लगी। रोते हुए वह मौलाना की करतूतों के बारे में बताने लगी। मोहल्ले के लोगों ने पंचायत कर मामले को निपटाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच मौका देखकर मौलाना भाग गया। फिर परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की खबर फैलते ही वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए शुक्रवार रात को इलाके में PAC तैनात करनी पड़ी।